गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट. इन सेकेंड चैप्टर वी लर्न अबाउट सम बेसिक नॉलेज ऑफ एम एस एक्सेल चार्ट. दैट इज़ वॉट कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, टाइप्स ऑफ अ चार्ट, क्रिएटिंग अ चार्ट, एडिटिंग इन अ चार्ट, रीसाइजिंग एंड मूविंग अ चार्ट, लीजेंट एंट्री एक्सेट्रा. इन थर्ड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉट इज एम एस एक्सेल फॉर्मूला एंड फंक्शन. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सेल रेफरेंसिंग, फंक्शन इन एम एस एक्सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग डेटा, कस्टम फिल्टरिंग एंड एम एस एक्सेल फॉर्मूला एंड फंक्शन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. A formula is defined as a mathematical equation that represent the relationship between various quantities. एक formula क्या करता है, एक mathematical equation को define करता है जो represent करता है बहुत जो relationship को represent करता है बहुत सारे quantities के भी. जैसे तुम्हारा 42, 55, 67 हो गया, ये तुम्हारी बहुत सारी डेटा हो गई, क्वांटिटीज़ हो गई. और प्लस का साइन, अगर मैथमेटिकल तुम ऑपरेशन लगा दो प्लस का साइन, तो वो क्या क्या शो करेगा, वो फॉर्मूला शो करेगा एडिशन का. जैसे कि तुम मान लो तुम्हें जैसे कि तुम्हारा ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो वो क्या है, वो तुम्हारा एक फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो फॉर्मूला. डिफरेंट फॉर्मूला प्ले इसेंशियल रोल इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और बहुत सारे फॉर्मूला जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इट्स टिपिकली डिस्क्राइब ए कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इटीसी टू बी परफॉर्म ऑन वन और मोर वेरिएबल्स. और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं. जैसे कि एडिशन हो गया तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, जो कि तुम्हारे बहुत सारे वेरिएबल के बीच परफॉर्म होता है. इन एम एस एक्सेल एप्लीकेशन ए फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंड हाउ वन सेल रिलेटेड टू द अनदर सेल. सच एज यू माइट डिफाइन सेल B5 विद द फॉर्मूला. यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट सिंपल फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल. यहाँ क्या कह रहा है कि एम एस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या डिफाइन करता है. तो फॉर्मूला जो होता है हमारा एम एस एक्सेल में, वो एक सेल के बीच दूसरे सेल में रिलेशन को डिफाइन करता है कि हमारा कैसे एक सेल दूसरे सेल से रिलेटेड है. जैसे कि इसने ये B5 का एग्जांपल लिया, तो जहाँ कि B क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया, और 5 क्या हो गया, रो हो गया. तो B5 क्या हो गया, दो एक कॉलम और एक रो के बीच रिलेशन को शो कर रहा है. और वैसे भी हम लोग सिंपल फार्मूला के बारे में तो जानते ही हैं, एम एस एक्सेल में क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा. तो कैसे कोई फार्मूला को लिखते हैं, तो फार्मूला को लिखने के कुछ 3 टर्म्स हैं, वो हम पढ़ते हैं. कि अगर कोई भी तुम एम एस एक्सेल में फार्मूला लिखते हो, तो वो सबसे पहले इक्वल्स टू साइन के साथ बिगेन होता है ना. कोई भी हम लोग देते हैं साइन, जैसे इक्वल्स टू A1 इंटू B2 देते हैं ना, तो तुम एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लिखोगे वो इक्वल्स टू साइन के साथ बिगेन होता है. कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं तुम्हारे एम एस एक्सेल फॉर्मूला में, जैसे प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया. और जो भी डेटा होती हैं हमारी एम एस एक्सेल फॉर्मूला में, वो डेटा हमारी सेल एड्रेस भी हो सकती है. जैसे कि तुम्हें A1 और B1 में B1 को प्लस करना है, तो तुम अपने मान लो कि तुम उसको कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, तो C1 में तुम फॉर्मूला क्या दोगे, इक्वल्स टू A1 प्लस B1. तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो भी डेटा होती है तुम्हारी, वो सेल एड्रेस भी हो सकती है और डायरेक्ट कोई डेटा भी हो सकती है. इस चैप्टर में हम लोग कुछ एडवांस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है. हमारा सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग इन एम एस एक्सेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मूला. दे अलाउ योर फॉर्मूला टू अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर. सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग जो होता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है. वो भी क्यों, तो फॉर्मूला को बनाने में सेल रेफरेंसिंग हमारा बहुत काम आता है. वो हमको क्या अलाउ करता है, वो ऑटोमेटिकली अगर तुम
फॉर्मूला को अपडेट कर देता है। अगर तुम एक सेल में कोई फॉर्मूला लिखे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दूसरे सेल में वो फॉर्मूला कॉपी करके उसको अपडेट कर देता है। तो सेल रेफरेंसिंग मेनली हमारा 3 टाइप्स का होता है, वो कौन कौन सा, तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। पढ़ते रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। रिलेटिव सेल इज अ नॉर्मल सेल एड्रेस सच एज A1, B5, C7, D6, etc. ए रिलेटिव सेल रेफरेंस ऑकर्स वेन अ सेल विथ फॉर्मूला कॉपीड टू अदर सेल इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अगर कोई भी फॉर्मूला तुम एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे कि इसने A1 और B1 को C1 में मल्टीप्लाई किया तो इसको रिजल्ट मिल गया यहाँ। अब फिल हैंडल के थ्रू ये इसको ड्रैग जब करेगा तो C2 में ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा वो, और अपडेट के साथ कॉपी होगा। जैसे कि C2 में क्या हो जाएगा, अब इक्वल्स टू A2 इंटू B2 और इंटर क्लिक करोगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है अगर कॉपी करते हो और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है तो वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होता है। आगे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डू नॉट चेंज अक्रॉस द रो और कॉलम व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड और पेस्टेड इन अ न्यू सेल लोकेशन। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में मेनली होता क्या है कि जो भी तुम फॉर्मूला इसको किसी एक सेल में देते हो और उस सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो तो वो तुम्हारा फॉर्मूला अपडेट नहीं होता है, एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। और इसमें जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं पहले डॉलर के साइन के साथ लगा के लिखते हैं। अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे जैसे लिखा है इसने ए डॉलर साइन इज टाइप बिफोर द कॉलम लेटर एंड रो नंबर टू इंडिकेट द सेल रेफरेंस इन द एब्सोल्यूट रेफरेंस। डॉलर साइन दिखाने का मतलब ही होता है कि वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। डॉलर अगर हम लोग लगा देंगे किसी भी रो या कॉलम नेम के पीछे, जैसे इसने डॉलर ए और डॉलर वन लगाया, दैट मीन्स कि कॉलम ए और कॉलम ए एंड रो कौन सा है, वन। तो डॉलर ए और डॉलर वन जो हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। ये अगर तुम इसको कॉपी करोगे तो सब में, जैसे इसने कॉपी करके दिखाया सी में, तो सब में डॉलर ए डॉलर वन आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ये अपडेट नहीं होता, चेंज नहीं होता, एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। जैसे इसने क्या किया, सी थ्री में डॉलर ए डॉलर वन किया और बाकी सब में इसको कॉपी कर दिया। तो जैसे देखो सी में सारे में दिखा रहा है ना, कॉपी करने के बाद सब में सेम एड्रेस दिखा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, या तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग में या तो कोई तुम्हारा एक एब्सोल्यूट रो होगा या और रिलेटिव कॉलम होगा, या तो एब्सोल्यूट कॉलम होगा या रिलेटिव रो होगा। इट मींस कि अगर मिक्स सेल रेफरेंसिंग में कोई एक पार्ट तुम्हारा एब्सोल्यूट रो एब्सोल्यूट कॉलम होगा और दूसरा पार्ट या तो रिलेटिव रो और रिलेटिव कॉलम होगा। जैसे इसने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे C3 में क्या लिया, इक्वल्स टू B3 इंटू डॉलर B डॉलर वन, यानी B3 क्या हो गया हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग और डॉलर B डॉलर वन क्या हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, दोनों ही होते हैं, दोनों रिलेटेड होते हैं, मतलब कि रिलेटिव सेल भी, रिलेटिव रेफरेंसिंग भी होगा और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी होगा। आगे पढ़ते हैं फंक्शन इन MS Excel। MS Excel में फंक्शन हमारा क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन आर प्री डिफाइंड ऑपरेशन और कमांड्स दैट वर्क्स ऑन अ सेल। फंक्शन क्या होता है, हमारा प्री डिफाइंड ऑपरेशन होता है, मतलब जो पहले से ही किसी ऑपरेशन को कमांड को डिफाइंड किया हुआ हो वो क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है जो कि हमारे सेल में काम करता है। दे क्विकली एंड ईजी मेक मैनी यूजफुल कैलकुलेशन, और ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कोई भी कैलकुलेशन करता है, सच एज फाइंडिंग एंड एवरेज द हाईएस्ट नंबर द लोएस्ट नंबर एंड द अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम इन ए लिस्ट। मान लो तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से तुमको हाईएस्ट 5 निकालने हैं, हाईएस्ट लोएस्ट 5 निकालने हैं, या सबके तुमको एवरेज निकालने हैं, तो तुम सिर्फ एक फॉर्मूला से ये सारे बड़े बड़े लिस्ट बड़े बड़े कैलकुलेशन को तुम फंक्शन के थ्रू ईजिली हैंडल कर सकोगे, इजीली सॉल्व कर सकोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ मैनी फंक्शन लाइक ऑटो सम, रिसेंटली यूज फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट डेटा एंड टाइम लुकअप एंड रेफरेंस मैट ट्रैक
और एम एस एक्सेल के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ के एग्जांपल ले लो, ऑटो सम हो गया, रिसेंटली यूज हो गया, मैथ्स हो गया, ट्रिग हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, ये सब। द फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, फंक्शन नेम एंड आर्गूमेंट्स। जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, दो कॉम्पोनेंट्स होता है, पहला होता है तुम्हारा फंक्शन नेम और दूसरा होता है आर्गूमेंट्स। वी राइट फंक्शन आर्गूमेंट्स विद इन सिंपल ब्रैकेट एंड नेम द नेम आर रिटेन विद द इक्वल्स टू साइन। जो फंक्शन आर्गूमेंट्स होता है हमारा वो सिंपल ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जो भी तुम्हारा साइन होता है वो इक्वल्स टू साइन के साथ लिखते हैं, जो भी नेम होता है वो इक्वल्स टू साइन के साथ लिखते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पे इक्वल्स टू सम ए वन इंटू ए टू, तो सम क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शन हो गया, इसको इक्वल्स टू साइन के साथ लिखे, और जो भी कंपोनेंट्स हो गया हमारा ए वन ए टू, ये हम लोग ब्रैकेट में लिखे, ठीक है। तो आर्गूमेंट्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, और फंक्शन नेम को इक्वल्स टू साइन के साथ लिखते हैं। कल हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सम, एवरेज, काउंट, नंबर, इतना तुम लोग कल रिवीजन करना और आगे पीडीएफ से पढ़ना कोशिश करना, फिर कल इस आगे तुमको समझाएंगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।